हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। और आज की इस वीडियो में मेरे पास ये 5 kg का कोकोपीट का ब्लॉक है। इसको मैं पानी में आज भिगोने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कितना इसमें 5 kg के ब्लॉक से हमें कितना ज़्यादा कोकोपीट मिल जाता है। और आई थिंक कोकोपीट के बारे में सबको पता ही होगा कि कोकोपीट कुछ नहीं है, नारियल के जो छिलका होता है, तो उस छिलके को वहाँ से छील करके उसे ग्राइंड करके अच्छे से काफ़ी तेज़ी से कंप्रेस करके, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके एक ब्लॉक की शक्ल दे दी जाती है, जो कि 1/2 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg के ब्लॉक के रूप में हमें मार्केट में मिल जाता है। ये मैं जिस नर्सरी का विजिट बनाता हूँ उसी नर्सरी से मैंने इसे परचेज़ किया हुआ है और 5 kg वहाँ पे मुझे लगभग 200 के करीब मिल जाता है। और आपको पता ही हुआ कि कोकोपीट का यूज़ अब पॉटिंग मिक्स बनाने में किया जाता है। अगर आप सॉइल लेस मीडिया बनाते हैं या फिर सॉइल के साथ भी इसे आप मिक्स कर देते हैं, इससे थोड़ा सा आपका सॉइल सॉफ्ट बनता है, जिससे रूट्स अच्छे से उसमें फैल पाती हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो थोड़ा सा अपने अंदर वाटर पानी को सोख के रखता है। और जब भी आपके प्लांट को, जब भी आपकी कटिंग को, जो भी आपको इसमें ग्रो करना है उस चीज़ को ज़रूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे इसके अंदर से पानी निकल करके आपके पॉटिंग मिक्स में मिलता है, जहाँ से आपका प्लांट अपनी रूट्स के थ्रू सारा का सारा पानी, जो फर्टिलाइजर वगैरह है, वो सोख के अपने यूज़ में ले लेता है। तो फटाफट पहले तो इस पैकेट को खोल लेते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक हमारे सामने आ गया है और अब मैं इसको 15 लीटर पानी में भी भिगोने वाला हूँ। पहले मैं शुरुआत में इसका 3 गुना पानी, 15 लीटर पानी में इसको मैं भिगोने वाला हूँ। और इसको भिगोने के लिए मैंने लगभग 40 लीटर का टब लिया हुआ है। मैं इसमें पहले सबसे पहले 15 लीटर पानी ऐड करता हूँ। तो ये पानी के ऊपर तैर रहा है और कुछ देर के लिए इसको इसी में छोड़ देता हूँ मैं, और देखता हूँ कि कितनी देर में ये पानी सारा का सारा पानी सोख लेता है। अगर पानी कम पड़ता है इसमें दोबारा फिर से मैं पानी ऐड करूँगा। फ्रेंड्स, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और आधे घंटे के बाद हमारा ये ब्लॉक 5 किलो का बिल्कुल फूल चुका है। और एक बार फिर तोड़ कर देख लेते हैं कहीं पे ऐसा तो नहीं है जहाँ पे पानी ठीक से ना पहुँचा हो। पूरे ब्लॉक को पहले तोड़ लेता हूँ मैं। अभी ये कुछ भाग यहाँ पे है जो भी फूला नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें और पानी डालना पड़ेगा। इसमें 15 लीटर पानी 5 किलो के ब्लॉक में पूरा का पूरा सोख लिया इसने अपने अंदर, तो अभी मुझे इसमें कुछ और पानी डालना पड़ेगा। पहले तो इसे तोड़ लेता हूँ। ये देखिए अभी बिल्कुल ड्राई है एक तरफ इसका, तो इसमें पहले तो कुछ और पानी ऐड करता हूँ मैं। बाकी मुझे पूरा का पूरा भाग इसका भीगा हुआ लग रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 5 किलो का मेरा ब्लॉक 15 लीटर पानी सोखने के बाद मेरा 40 लीटर का टब भर दिया है उसने। अभी थोड़ा सा ये भाग, ये थोड़ा सा रह भी गया है, अभी भीगा नहीं है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालना होगा मुझे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा 40 लीटर का टब में 5 किलो का मैंने कोकोपीट भिगोया हुआ था। लगभग 18 लीटर पानी 15 लीटर पहले, लगभग 3 से 4 लीटर पानी मैंने दोबारा इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद मेरा 40 लीटर का टब बिल्कुल भर चुका है ऊपर से। अब ये सारा का सारा कोकोपीट मेरा तैयार हो गया है, इसे मुझे बस ड्राई करना है और ड्राई करके मैं इसे कहीं भी किसी कंटेनर में वहाँ पर पैक करके रख लूँगा और मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं वहाँ से निकाल निकाल कर यूज़ करता रहूँगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो कोई भी सवाल होता है, कोई भी सुझाव होता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।